हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट आज की जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इतनी अच्छी नहीं है। बट आपको पता है कि आए दिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर रोज ही मुझे आजकल मतलब कोई ना कोई न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि ये रूल्स चेंज हो गए हैं, ये रूल्स चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से मतलब पीआर के रूल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है, काफी मतलब ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आज भी कुछ ऐसी ही न्यूज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि न्यू ब्रंसविक की प्रोविंस की तरफ से है। वैसे तो आपको मेरे थंबनेल से भी अंदाजा लग गया होगा कि कुछ ऐसा वहां की पीआर के रूल्स को लेके हुआ है, जिसकी वजह से मैंने ऐसा थंबनेल जो है वो लगाया है। तो अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि क्या रूल्स चेंज हुए हैं। आपको पता है कि न्यू ब्रंसविक में वैसे तो दो एडिशनल जो स्ट्रीम्स है वो ऐड हुई थी, बट अभी ये जो मैं आज की न्यूज आपको बता रही हूँ वो दो ऐसे मेजर प्रोग्राम है न्यू ब्रंसविक के जिसमें ज्यादातर फाइलें जो है लगती थी, जिसमें ज्यादातर एप्लीकेशंस लगती थी, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई करते थे। ये जो चेंजेस आए हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये उन्हीं ही प्रोग्राम के अंडर आए हैं, मतलब उन्हीं दो स्ट्रीम के अंडर ही मेजर चेंजेस आए हैं। तो चलिए जी, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली चेंजेस क्या आए हैं और क्या रूल्स में चेंजेस आए हैं, कौन सी स्ट्रीम में या कैटेगरी में चेंजेस आए हैं, तो वैसा ही करेंगे, फटाफट से स्क्रीन की तरफ स्विच कर लेते हैं। तो न्यू ब्रंसविक में बेसिकली ये सारी की सारी स्ट्रीम्स आती हैं। न्यू ब्रंसविक ये जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रही है, न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, न्यू ब्रंसविक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव स्ट्रीम, न्यू ब्रंसविक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, न्यू ब्रंसविक प्राइवेट करियर कॉलेज ग्रेजुएट पायलट प्रोग्राम, बिजनेस इमिग्रेशन स्ट्रीम, एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जिसको AIP बोलते हैं, क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम एंड ऑल दैट। तो जो मैं आपको चेंजेस के बारे में बात कर रही हूँ वो चेंजेस आए हैं हमारे एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में और जो है हमारे स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के प्रोग्राम के अंदर। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंजेस हैं, काफी मतलब बुरी खबर मुझे ये लगी है क्योंकि यही दो स्ट्रीम्स हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं एप्लीकेशंस डालते हैं। तो नंबर वन पे ये जो मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम है वो न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम प्रोग्राम है। न्यूज ये है कि इसने जो है, जैसे ये नोटिस पे आपको दिख रहा है, इफेक्टिव अगस्त 2024, मतलब अगस्त 16 से लेके द इश्यूएंस ऑफ न्यू इनविटेशंस टू अप्लाई अंडर द न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम आर पॉज्ड फॉर द रिमेंडर ऑफ द ईयर एज अवर अलोकेशन फॉर 2024 हैज बीन रीच्ड। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगस्त 16, 2024 से न्यू ब्रंसविक की प्रोविंस ने इनविटेशंस इशू करने बंद कर दिए हैं अंडर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो हमारा इस ईयर का कोटा था, यानी कि हमारा जो एलोकेशन था, एप्लीकेशन मतलब जितनी लेनी थी वो रीच हो चुका है 2024 का। तो बट यहाँ पे ये एक टेंशन वाली बात ये जरूर है कि इसमें इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि वी विल रिज्यूम द एप्लीकेशंस, जो भी है कि मतलब दोबारा एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे या नहीं करेंगे। यूजुअली आज तक जितनी बार भी ऐसा कुछ हुआ है कि चेंजेस आए हैं, मोस्टली उन्होंने मेंशन किया होता था कि मतलब हम जो है एप्लीकेशन से रिज्यूम करेंगे 2025 से, उसके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब मेंशन होता था, बट इसमें मेंशन नहीं है। तो ये जो अपडेट थे वो अगस्त 16 से है फॉर द न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, और जो हमारा दूसरा है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। ये स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के जो नोटिस आया है वो इफेक्टिव है सिंस 29th August 2024, यानी कि ये भी निकल चुका है, मतलब ये भी अभी से इफेक्टिव है कि न्यू ब्रंसविक के स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम और एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंडर अभी इस साल कोई भी इन्विटेशन इश्यू नहीं होंगे।
मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन 29 अगस्त से पहले पहले डाल दी है उनका प्रोसेस होगा, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है, कैंडिडेट एप्लीकेशन दैट हैव बीन फुली सबमिटेड बिफोर थर्सडे अगस्त 29 विल कंटिन्यू टू बी प्रोसेस्ड एज वेल कैंडिडेट हु हैव रिसीव्ड एन आईटीए बिफोर द सेम डेट रिमेन इनवाइटेड टू सबमिट देयर फुल नॉमिनेशन एप्लीकेशन। यानी कि जिन्होंने पहले मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया 29 से पहले उनको इन्विटेशन आएगा या नहीं आएगा, और उन्होंने ना इतना जरूर बोला है कि 29 से पहले जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, और जिनको 29 से पहले इन्विटेशन चला गया है उनको इन्विटेशन रहेगा उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो मतलब डिनाई कर देंगे या डिक्लाइन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी हो चुका है वो हो चुका है, उसके बाद कोई इन्विटेशन नहीं जाएगा। ये बेसिकली जो है लेटेस्ट नया नोटिस था प्रोविंस ऑफ न्यू ब्रंसविक की तरफ से। बुरी बात ये है कि एक तो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि कब दोबारा से रिज्यूम करेंगे एप्लीकेशंस लेना। नंबर दो पे बुरी खबर ये है कि ये ही दो मेजर प्रोग्राम थे जिसके अंदर ज्यादातर एप्लीकेशंस जो है लगती थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो में बेसिकली मैंने आप लोगों को यही बताना था कि जो मेजर मैंने जैसे आपको दिखाया कि एक्सप्रेस एंट्री जो स्ट्रीम है न्यू ब्रंसविक की, यानी कि पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री, नॉट फेडरल एक्सप्रेस एंट्री की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। और नंबर दो पे हमारी जो है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम कैटेगरी, इन्हीं दो प्रोग्राम के अंडर ज्यादातर जो है स्टूडेंट अप्लाई करते थे। अगर मैं बात करूं तो 60% स्टूडेंट जो है वो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में अप्लाई करते थे। तो जो ये जो दोनों वो है एप्लीकेशंस हैं वो इस साल के लिए बंद कर दी गई है। नेक्स्ट ईयर कब और क्या चेंज आता है, कब चेंज आता है, कब एप्लीकेशंस दोबारा से एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, इसी साल में तो मैं 100% श्योर हूँ कि नहीं करेंगे, अगले साल ही एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, बट ये अभी तक किसी को नहीं पता है कब करेंगे, तो वो एक मिस्ट्री ही बन के रह गया है। तो देखते हैं कि अगले साल कब एक्सेप्ट करना एप्लीकेशन शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा है ये चीजें, तो कीप दैट इन माइंड। अगर आपको कोई मौका मिल रहा है किसी चीज में पीआर लेने का, तो फटाफट से अपना मौका जो है संभाल लीजिए, पीआर ले लीजिए, बाद में कल को पता नहीं क्या रूल्स आने वाले हैं। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।